नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सियासत तेज है, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यूपी में विधानसभा सत्र को लेकर भी इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा और इन नगर निकाय चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कुछ ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिसके चलते विपक्ष यहां पर तमाम बड़ी बड़ी मांगे उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल राज्य में उत्तर प्रदेश में इस वक्त जनजातीय जनगणना को लेकर मांग की जा रही है। ऐसे में यहां पर बीजेपी खेमे के वरिष्ठ नेता भी यहां पर सरकार से मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यहां पर अनुप्रिया पटेल हैं, तो वहीं विपक्ष से पल्लवी पटेल हैं और साथ ही साथ यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो है ही। सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है और सदन में योगी सरकार ने जो परियोजनाएं जारी की उन परियोजनाओं पर सवाल भी खड़े कर दिए गए। लेकिन इसी बीच यहां पर सदन में खुलकर अपनी बात रखी कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने। राजा भैया ने यहां पर साफ कर दिया है। राजा भैया यहां पर साफ तौर पर कह चुके हैं कि जितनी सरकार तारीफ करती है राज्य सरकार उतनी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जितना विपक्ष यहां पर सरकार को बुरा बताते हुए नजर आता है, खराब बताते हुए नजर आता है, तो सरकार उतनी भी खराब नहीं होती। मालूम हो कि राजा भैया ने यहां पर योगी सरकार की तारीफ भी की, लेकिन यहां पर कमियां भी गिना दी कि गांव में हालात कैसे हैं और यहां पर देखा जाए पानी की किस तरीके से किल्लत देखने को मिल रही है, उन तमाम चीजों से रूबरू कराया। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा यहां पर जानकारी देना चाहेंगे कि राजा भैया क्या कुछ कहे हैं। अभिभाषण पे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अपने वक्तव्य में हमारा यह प्रयास रहेगा कि बहुत संक्षेप में बातें रखें। जो माननीय सदस्यों ने अभी तक इस सदन में कहा है उनकी बात कम से कम दोहराई जाए और ऐसे विषय रखे जाएं जिससे जो लोग हम लोगों को निर्वाचित करके भेजते हैं उस हर जाति वर्ग अगड़े पिछड़े हर समूह से जुड़े हुए उनके हित की बातें, और यही जनसत्ता दल का सिद्धांत भी है, इसी पे हम लोग निर्वाचित होकर के आए हैं। श्रीमान, विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी, उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना इस वीडियो के जरिए कि राजा भैया क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन यहां पर अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनके विचार मिलते हुए भी नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो आने वाले वक्त में एक बार फिर से जनसत्ता अध्यक्ष राजा भैया कहीं ना कहीं यहाँ पर एकजुट होते हुए क्या वाकई में नजर आएंगे समाजवादी पार्टी से, क्योंकि नेताजी के मान सम्मान में वह समाजवादी पार्टी के यहाँ पर समर्थन में एक वक्त दिखाई देते थे, लेकिन मायावती के चलते यहाँ पर रिश्ते काफी खराब होते हुए नजर आए। देखना यही होगा क्या राजा भैया का यहां पर आगे चलकर समर्थन देखने को मिलेगा, क्या यहां पर अखिलेश यादव राजा भैया से क्या कोई संपर्क करना चाहेंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि मिशन 2024 को लेकर इस वक्त रणनीतियां बनाई जा रही हैं। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।